Hi everyone, this is Lalit Sharma from White Collar Reality. Today we are at a site of Experion Vincent on Dwarka Expressway, Sector 112. So, हम Experion Vincent के विला के सामने खड़े हुए हैं. Experion Vincent का सबसे बड़ा साइज है जिसका बिल्डअप एरिया इज 7400 स्क्वायर फिट एरिया. दिस इज अ 5 BHK विला. सो अगर आप ये विला देखोगे तो विला की ये फसाद है, पूरी फसाद स्ट्रक्चर मायावन पे बेस है. ऑन माई राइट साइड दिस इज मेन गेट. चलो हम विलास को अंदर से वॉक थ्रू करते हैं. आइए. एंट्री करते ही ये फाउंटेन एरिया है जो कि एक आपका रिच प्रीमियम लुक एनहांस करता है पूरे घर का. नमस्कार. सो एंट्री करते ही आप एक फॉयर एरिया में आते हैं. ऑन योर लेफ्ट साइड दिस इज योर सिटिंग स्पेस एरिया. राइट साइड में जो स्पेस देख रहे हो ये एक लिफ्ट एरिया है और उसके बाद स्टेयर केसेज हैं. स्टेयर्स और लिफ्ट्स जो है एक्सेस करती हैं आपके मल्टीपल फ्लोर्स को, लाइक बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड फ्लोर. थर्ड फ्लोर तक लिफ्ट नहीं जाती है. तो ये लिफ्ट जो एक्सेस करती है बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर को. आइए थोड़ा और आगे जब बढ़ते हैं ये आपका एक प्राइवेट जोन आ जाता है जहाँ पे एंट्री करते ही ये एक पाउडर रूम है 6x4.10 का जिसमें वॉश बेसिन एंड WC है. आइए आपको स्पेशल एरिया दिखाते हैं जो घर में है ना. लोग जब सुबह शाम अपने गेस्ट फैमिली मेंबर्स के साथ लंच या डिनर या मे बी ब्रेकफास्ट करते हैं तो इस ये स्पेस जो है ना काफ़ी एक रिच फील देता है. अगर आप देखोगे ना इट्स अ डबल हाइट जो सीलिंग हाइट है वो आपको इस एरिया में कभी नहीं मिलती है. ज़्यादातर आपको लिविंग एरिया में ज़रूर मिलेगी लेकिन डबल हाइट में नहीं मिलेगी. इसको आप अपने तरीके से कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे आइडिया लग जाते हैं. अगर आप देखो ऑन योर टेबल यहाँ पे आप शैंडलर अगर यूज़ करोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है ना. जो भी डाइनिंग टेबल पे सामान है वो एक अलग से ही एक इम्प्रेसिव लुक देता है. दिस इज़ अ डबल हाइट विंडो एरिया. यहाँ पे काफ़ी नेचुरल लाइट्स आती है वो भी आपके डाइनिंग एरिया में, जो कभी कभार इम्पॉसिबल चीज़ होती है. आपने कभी देखा होगा आपके यहाँ पे बालकनी होगी लेकिन एक डबल हाइट शेड विंडो नहीं होती, जिससे क्या होता है ना एक तरीके से नेचुरल लाइट्स आपके पास ज़्यादा आती है. किचन विलास के हिसाब से काफ़ी अच्छा एरिया दिया हुआ है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपनी तरीके से कस्टमाइज भी करना चाहो तो कर सकते हो. अपर एंड लोअर शेल्स इसके अंदर है. दिस इज़ अ डिशवॉशर एरिया जहाँ पे आपके एक्सपेंसिव क्रोकरीज वॉशेस करना चाहो वो आप कर सकते हो. दिस इज़ अ डबल सिंक बेसन. आप देखें दिस इज स्पेस जो कि घर में है ना, हम इतनी बड़ी किचन होने के बाद स्पेस इतना हमें नहीं मिलता है तो ये एक अच्छा स्पेस है जब आप अपने तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो. यहाँ पे आप अपने कुछ ग्रोसरी आइटम्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो. आपके इसके अंदर ये है चिमनी एंड हॉब्स जो इसमें प्रोवाइड करे हुए हैं. एक ये एरिया मुझे सबसे बेस्ट लगता है. किचन में हमने कभी देखा होगा बिल्कुल स्क्वायरिश किचन होती है लेकिन ये एक आइलैंड किचन कॉन्सेप्ट है. तो एक कॉर्नर्स में आपका रेफ्रिजरेटर, योर माइक्रोवेव एंड ओवन एरिया है. एक और अच्छी चीज़ है क्योंकि इसका एक्सेस बिल्कुल बाहर से, इसको आप वैसे भी काउंट कर सकते हो. अगर सफोकेशन हो रही है किचन में, यू नीड मोर एरी एरिया, तो आप इसको ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप खुद भी विजिट कर सकते हो थ्रू द आउटसाइड. सपोज़ आपके गेस्ट लिविंग एरिया में, कई बार को होता है ना कि सर्वेंट बिल्कुल उनके सामने से आ रहा है तो सर्वेंट की मूवमेंट आप बाहर से भी रख सकते हो. लिविंग स्पेस एरिया हमारी है ना डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है क्योंकि हम बेडरूम से ज़्यादा स्पेस अपने लिविंग एरिया में ज़्यादा टाइम पास करते हैं विद फैमिली, फ्रेंड्स और गेस्ट. सो आप देखें इस एरिया को. सपोज़ आपकी शॉर्ट मीटिंग है तो आप यहाँ बैठ गए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी ज़्यादा आपके गेस्ट एरिया है तो आप यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो. इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है, लाइक पेंटिंग स्टफ, दिस स्लाइडर. हर एक पॉइंट से अगर आप देखोगे डार्क एरिया विला का है ही नहीं, हर तरफ से एक नेचुरल लाइट की जगह है. अब एक स्पेस है ग्राउंड फ्लोर पे, एक बेडरूम है. जनरली बेडरूम सेशन हम अलग अलग फ्लोर पे डिवाइड करते हैं लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम होने का बेनिफिट क्या होता है. सपोज़ आपके घर में ओल्ड पेरेंट्स हैं, कभी कभार आप यूज़ करें प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल ज़्यादा ऊपर नीचे स्टेयर्स यूज़ नहीं कर सकती. आइए ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम हम एंट्री करते हैं जिसका साइज़ काफ़ी डिसेंट है, 12x12. एंट्री करते ही स्पेस एरिया ऑन योर राइट साइड इज अ कबर्ड एरिया जो कि आप अपने तरीके से डेकोर कर सकते हो.
इसके बाद बेडरूम स्पेस एरिया पूरा फ्री आ जाता है। इसमें कोई कबर्ड सेशन अलग से नहीं है इसका, क्योंकि अलग से डेडिकेटेड कबर्ड क्लोजेट बनाया हुआ है। लुक एट दिस स्पेस, ये स्पेस काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने यूज़ किया हुआ है। क्वीन साइज बेड है। हम बेडरूम्स में है ना कभी कभार क्या होता है, बोर हो जाते हैं, हमेशा हम बेड पे बैठ नहीं सकते, हम बेड पे लेट नहीं सकते कुछ काम कर रहे हैं, तो एक स्पेस एरिया है, आप इस स्पेस एरिया को एज अ स्टडी या लाइब्रेरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज अ बुक रीडिंग। ये बालकनी एरिया, इस बालकनी के पीछे आप पूल और गार्डन एरिया का इंजॉय कर सकते हो। चलिए आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। इसका वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, सिंगल स्लॉट सिंगल लेंथ में है। सबसे पहले अगर इस बेसिन की बात करो, मार्बल फिटिंग्स के साथ इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अंदर सैनिटरी फिटिंग जो है वो ग्रोहे ब्रांड्स की है, अगेन जर्मन ब्रांड। इसके अंदर WC एंड द शावर एरिया विद अ ग्लास क्यूबिकल। कभी भी ये वॉशरूम डार्क नहीं रहने वाला, रीज़न बिहाइंड इसके पीछे पूरा पूरा एक ग्लास विंडो आती है जिसमें नेचुरल लाइट आपके डे टाइम में हमेशा रहे। आइए आपको है ना सबसे घर का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिस इज बेसमेंट। मेरे हिसाब से आपको बेसमेंट बहुत अच्छा लगेगा। बेसमेंट आप अपने तरीके से कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो। सो हम लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज वेल एज हम स्टेज केसेस से जा रहे हैं। हम बेसमेंट में आ चुके हैं फाइनली। बेसमेंट स्पेस है एरिया, अगर आप एक बार नज़र में डालोगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिंगल एरिया है, कोई पिलर नहीं, कोई बीम नहीं, कोई पार्टीशन नहीं। हाँ, लेकिन पार्टीशन के लिए एक ऑप्शन है जो हम आगे एक बार डिस्कस करेंगे। अगर आपके घर में कुछ फ्रेंड्स की पार्टी है या आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं तो ये स्पेस एरिया एज अ बारटेंडर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत बड़ा स्पेस एरिया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर सपोज करो आपके वो बार एरिया है, सर्विंग एरिया, यहाँ आप अपना इंजॉय कर रहे हो, टाइम स्पेंड विद योर फ्रेंड, इस एरिया को आप कैफ़े भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे एक एसी है 2 टन का जो कि स्पेस एरिया को अच्छे से कवर करता है। ये एक पार्टीशन वॉल है, तो इस पार्टीशन को अगर मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से इसके अंदर जितने ये पार्टीशंस हैं इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, तो इसमें ये आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो इस चीज़ को कि आप एक एरिया को मल्टीमीडिया रूम या मिनी थिएटर बना सकते हो और एक एरिया को बार बना सकते हो। तो दोनों ही एरिया आपस में इंटरप्ट नहीं होंगे, डिस्टर्बेंस भी नहीं आएगी। ज़्यादातर मूवी जब आप देखते हो डॉल्बी एटमोस साउंड पे थोड़ा सा आपकी वॉल्यूम हाई रहती है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स अदर मेम्बर्स डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। इतना स्पेस एरिया है, अगर आप देखोगे ना विद योर फैमिली फ्रेंड बहुत सारे गेट टुगेदर आराम से इस एरिया में हो सकती है। यहाँ पे भी 2 AC हैं 2-2 टन के। ये अगर आप देखोगे ये दिस इज़ अपोस्ट्री। कभी कभार आप देखते हो कि आप जहाँ पे भी अगर थिएटर बनाना चाहते हो तो आपको ये स्पेस एरिया चाहिए साउंड एब्जॉर्ब के लिए, तो ये बहुत अच्छा एरिया है। आप इसको एक एज अ मिनी थिएटर डिज़ाइन कर सकते हो, तो काफ़ी टाइम हो जाता है आप अपने फैमिली मेम्बर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, तो ये स्पेस एरिया आप यूज़ कर सकते हो। यहीं इसी स्पेस के पीछे आपका पूरा पार्किंग रैंप है जहाँ पे आप मल्टीपल गाड़ी पार्क कर सकते हो, और इनफैक्ट ये एरिया से एक स्पेस जाता है आपके पूल साइड एरिया में जो कि अगेन एक प्राइवेसी को डिफाइन करता है। आगे चलते हैं, हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। लेफ्ट आपकी यहाँ है, ऑन माय राइट साइड। सो ये फर्स्ट फ्लोर का फॉयर एरिया है जो कि कनेक्ट करता है आपके बेडरूम्स एरिया को, द फर्स्ट बेडरूम, द मास्टर बेडरूम एंड योर लिविंग एरिया एंड द पूजा रूम। अच्छी बात ये है कि फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री करने के बाद है ना ये एक ओपन एरिया दिया हुआ है, इसको एज पर अपने चॉइस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। मेरा आइडिया ये है कि अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक स्विंग चेयर डाल के अपनी कॉफ़ी बुक्स या फिर आप लोगों से बात कर सकूं। तो ये सेकंड बेडरूम है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, जिसका साइज़ 14x13 स्क्वायर फीट एरिया का है जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है। इसके साथ आपकी एक विंडो एरिया है
जो कि एक तरीके से किड्स रूम भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। इस स्पेस एरिया में क्लोजेट एरिया अलग डेडिकेटेड है, इधर आपका कोई भी अलमीरा टाइप कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सारा अलग ही जोन में डिज़ाइन कर रखा है। बेड आने के बाद भी इस कमरे में इतना स्पेस है कि आप अलग से एक स्टडी टेबल आप यूज़ कर सकते हो। लुक एट दिस स्पेस एरिया। फ्लोरिंग की बात करें तो इसमें इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग है, जो कि बहुत लंबे टाइम तक की ड्यूरेबिलिटी है इसकी, और इसमें कभी भी कोई दीमक या ऐसा कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। ड्रेसर एरिया 4.4x5.3, तो ये ड्रेसर एरिया है। ये अपने तरीके से आप स्लाइडिंग डोर चाहिए, ओपन डोर चाहिए, वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। टॉयलेट साइज़ भी काफ़ी, अगर आप देखोगे, काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इस फोयर एरिया में बहुत सारी चीज़ें आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, एज अ शोकेस आप बना सकते हो। इसके बाद एक पार्टीशन और आता है, ये आपके बेडरूम का पार्टीशन आता है। यहाँ पे मास्टर बेडरूम है, अगर आप इसको इस आगे वाले स्पेस एरिया को मास्टर बेडरूम में कवर करना चाहते हो तो यू कैन कन्वर्ट इट। आप यहाँ से हमने किचन में हम खड़े थे, यहाँ पे अभी स्टडी एरिया एज पर डिज़ाइनिंग टीम ने बनाया हुआ है, लेकिन आप स्पेस एरिया को आप पूजा रूम भी बना सकते हो। ओपन कवर, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। इसके पीछे अगर आप देखोगे पूरी एक रोशनी आती है, वेंटिलेशन पॉइंट दे रखा है, यहाँ से एक डोर ओपन होता है। लिविंग एरिया में आप अगर बैठें, इंजॉय करें, यहाँ पर आपका टीवी है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक डिस्कशन कर सकते हो या अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। हमारी डे टू डे बिजी लाइफ हो गई है, तो कभी बैठना चाहो तो अपनी फैमिली के साथ, ये स्पेस एरिया है, इसीलिए हम इसको फैमिली लाउंज कहते हैं। आपके गेस्ट नीचे हैं, आप थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ बैठ सकते हो। आई नो आप सबकी एक बिजी लाइफ ज़रूर होगी, आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो 9 to 7 वाली जॉब में ना टाइम नहीं मिल पाता बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आप अपने बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो हम बेडरूम एरिया में हैं, मास्टर बेडरूम 19.5x14.5 स्क्वायर फीट एरिया का इसका साइज़ है। आपके ड्रेसर और मास्टर वॉशरूम जो है वो अलग है। तो ये देखें, स्पेस काफ़ी अच्छा है, और अगर आप इसकी विंडो देखें, पूरा ही आपका फ्लोर टू सीलिंग तक की हाइट की विंडो है, जो कि काफ़ी नेचुरल लाइट लेके आती है घर के अंदर। घर के अंदर बेड एरिया के पास आप इसको अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। आप काउच या आप बेडरूम के अंदर अगर आपको स्टडी एरिया एडिशनल चाहिए वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि स्पेशियस, हमेशा रिच फील देती है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। अब हम आगे चलते हैं ड्रेसर और वॉशरूम की तरफ। ये साइज़ 5x15 स्क्वायर फीट एरिया का है अप्रॉक्सीमेटली। सिंगल लॉन्ग स्लाइडिंग डोर है। वॉशरूम में एंटर करते ही अगर हमने देखेंगे तो ये हिज एंड हर दो बेसन है, जकूजी विद अ जेट। अगर कभी भी आपको घर के अंदर रिलैक्स चाहिए तो सबसे अच्छा रिलैक्सिंग जोन है आपका ये जकूजी। शावर क्यूबिकल दैट वे विद अ शावर क्यूबिकल विद अ WC एरिया। तो वॉशरूम साइज़ काफ़ी डिसेंटली इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। हिज एंड हर बेसन एक साइड, आपके वॉशिंग एरिया WC एक तरफ, और बीच में आपका ये जकूजी, और इसके पीछे द बालकनी एरिया अगर आपको एक नेचुरल लाइट डे टाइम में चाहिए तो। हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट फ्लोर में एक बार रिवाइव कर लेते हैं, दो बेडरूम थे, एक किड्स रूम, एक मास्टर बेडरूम विद अ फैमिली लाउंज, और एक पूजा और मे बी ए स्टडी एरिया जो आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। हम चलते हैं अब सेकंड फ्लोर की तरफ। सो हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे।
सेकंड फ्लोर पे हम जैसे आते हैं इस फॉयर एरिया के साथ, अगर आपने देखा होगा ये एक ओपन डेक एरिया है, मतलब यहाँ आप बालकनी नहीं है लेकिन आप अपनी प्लांटिंग या जो भी है आप रख सकते हो। आउटर फसाड में अगर आप देखोगे थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर ग्रीन प्लांटिंग ज़्यादा अच्छी हो। ये लिफ्ट है अगेन जो कि हमारे सारे फ्लोर्स को एक्सेस करती है। हम सेकंड फ्लोर पे आ गए तो आपने देखा होगा ना कि इतने ऊपर तक ना कोई भी ऐसा नहीं है बेड पॉइंट जहाँ पे हम अपनी कुछ एडिशनल हम अपने बेडरूम में कोई कॉफ़ी या टी या फिर भी कुछ स्नैक्स ले रहे हैं। तो ये एरिया एज अ पेंट्री एरिया है जहाँ पे अब लोअर शेल्फ्स भी हैं, यहाँ पे वेट एरिया भी है। तो हम फोर्थ बेडरूम में आ गए हैं जिसका साइज़ 14x13 का साइज़ है जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ है। अगेन सारे फ्लोर्स में हमने ना इंजीनियर वुडन फ्लोरिंग का यूज़ किया हुआ है। अगर आप देखोगे पूरा जो आप देखोगे विंडो साइड वो ग्राउंड टू सीलिंग हाइट तक की है। ये हर एक बेडरूम में आपने नोटिस भी किया होगा। इस में अगर आप देखोगे बेडरूम के साथ एक काफ़ी बड़ी बालकनी है जहाँ पे आप शाम को अपनी मॉर्निंग में अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो। तो बेडरूम के साथ ये एक ड्रेसर एरिया है, जैसे कबर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो एज अ वॉकिंग क्लोजेट, सो आप अपने तरीके से इसको डिज़ाइन भी कर सकते हो। हम अब एंटर कर चुके हैं वॉशरूम में। वॉशरूम अगेन एक बिग साइज में है, सेम थिंग है, मार्बल यूज़ किया हुआ है, WC एंड द फिक्स्चर्स बाय ग्रो है। अभी आप विद द शावर क्यूबिकल। अब आगे चलते हैं। पूरे घर में ना एक अच्छा सा है ना, अगर आप देखोगे कभी हम टेरेस एंजॉय करते हैं, एक तो फुल टाइप टेरेस होती है, एक होती है कि बेडरूम के साथ एक टेरेस हो गई। सो पार्टी ये एक तरीके से डिज़ाइन किया है एज अ पार्टी डेक। तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छी तरीके से एक छोटा सा गार्डन टेरेस बना सकते हो, सिटिंग एरिया डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप देखो ये काफ़ी अच्छा डेकोरेट हो जाता है अगर आप यहाँ पे इस पर ग्रीनरी कुछ लीव्स यूज़ करना चाहो। शाम को बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड हो सकता है विद योर फैमिली। हम मास्टर बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं। ये एक दूसरा मास्टर बेडरूम है अलोंग विद द सेम साइजेस, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम बालकनी है, सेम इंटरनली विंडो है, सेम वॉशरूम साइज है, बस फ्लोर बदल जाता है। इस तरफ एक और बालकनी आ जाती है अटैच विद योर बेडरूम एरिया। लुक एट दिस साइज, सेम साइज है। अगर आप देखोगे ना ये स्पेस एरिया आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉप्स यूज़ करे हैं, एज़ पर आपकी फैमिली नीड के तरीके से आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज भी करा सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, आपको इसमें कुछ और डिज़ाइन कराना है तो वो आप कर सकते हो। बहुत ही बड़ा साइज़ है, सामने AC लगा हुआ है, यहाँ पे काउच रखे हुए हैं। अगेन ये पूरा फ्लोर एक वुडन फ्लोरिंग में है, सिर्फ आपका एक फॉयर एरिया ही है जो कि एक मार्बल है, इटालियन मार्बल जो हमारा नीचे लगा हुआ था। इस मार्बल का नाम ओमानी मार्बल है। सेम अगर आप इसकी विंडो देखोगे ग्राउंड टू सीलिंग हाइट तक की विंडो है और ये बालकनी एरिया का ड्रॉअर है। यहाँ से स्लाइड करोगे तो आप बालकनी में एक्सेस कर सकते हो। अब हम चलते हैं ड्रेसर एरिया की तरफ। ड्रेसर एरिया इसका 5x15 का साइज़ है, डेप्थ में काफ़ी बड़ा है, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है। वी आर इन वॉशरूम राइट नाउ। आप देखें यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेसन लगा रखा है। आप इसको सेम फर्स्ट फ्लोर की तरह डिज़ाइन कर सकते हो, हिज एंड हर बेसन। अगर वो ज़रूरत नहीं है तो एक बेसन भी इनफ है। अप फ्रंट ऑफ बेसन तो एक तरफ आपका शावर एरिया है और एक तरफ आपका WC एरिया। ये दोनों एरिया कवर्ड है विद अ ग्लास क्यूबिकल। अगेन सेकेंड फ्लोर पे भी आपका एक बाथटब है, यानी आपके घर में दो बाथटब हैं और एक पूल है जो कि हम आगे चल के देखेंगे। चले आगे चलते हैं। फाइनली हम टेरेस पे आ गए जो कि इस प्रॉपर्टी का लास्ट पार्ट तो नहीं है लेकिन एक मेजर पार्ट है, या आप इसको अपना एक प्रॉपर एक टेरेस गार्डन बना सकते हो या फिर आप इसमें सोलर पैनल लगा सकते हो, आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। सो
पूरे घर के एसी के जितनी भी यूनिट्स हैं वो पूरा छत पे हैं, यानी आपके किसी एरिया को इंटरप्ट नहीं करते हैं। छत की अगर ये आप हाइट देखोगे, ये काफ़ी बड़ी है, जो कि मेरे से भी अगर आप देखो तो एज अ किड्स पर्पज से भी आप फ्री हो जाओ, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। आप चारों तरफ का आपको अच्छा खासा व्यू मिल जाता है। ये एक्सपीरियन विंचेंट के ही 7 टावर्स हैं। ये एक ओराइन कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं, यानी सप्तऋषि। जिस विला में हम ये शूट कर रहे हैं ये 7 नंबर है, 7 टावर्स हैं, हर चीज़ 7 से रिलेटेड है। तो ये एक मैथोलॉजी कॉन्सेप्ट पे बनाया हुआ पूरा प्रोजेक्ट है। आइए अब आपको गार्डन और पूल एरिया की तरफ लेके चलते हैं। कुछ स्टेप नीचे डाउन करते ही राइट साइड में वॉशरूम एंड शावर एरिया है। थोड़ा आगे चलते ही राइट साइड में पेंट्री एरिया है एंड यूटिलिटी एरिया। सामने बिल्कुल सर्वेंट का क्वार्टर है, जहाँ सर्वेंट की रहने की जगह है। जो हम विला देख रहे हैं ये उसका एक गार्डन स्पेस एरिया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। तो एंट्री करते ही हमें है ना स्टेपिंग में डेक्स दिख जाते हैं, जो कि कनेक्ट करता है हमारा गार्डन को। गार्डन की लैंडस्केपिंग बड़ी यूनिक है, इट्स इंक्लाइन प्लेस। जो डेक एरिया, जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो डेक को जो कवरेज की हुई है ये वार्म लाइट के साथ, शाम को बड़ी चार्मिंग लगती है। गार्डन के एरिया की तरफ मूव करते हैं। गार्डन एरिया काफ़ी अच्छे तरीके से ना स्क्वायरिश शेप में है, तो इसको आप यहाँ पे एक शेल्टर टाइप में गजीबो कबाना यूज़ कर सकते हो, या इवनिंग मॉर्निंग टी आप इंजॉय कर सकते हो। और एडजॉइनिंग एक सबसे अच्छी चीज़ है द पूल। पूल में स्टेप डाउन करते ही आप अपना इंजॉय पूल कर सकते हैं। आज काफ़ी अच्छी इसकी लैप्स की पूल है, सम अराउंड 30 फीट का ये पूल होगा। ये एक डेक एरिया है जिसको आप सन डेक में भी यूज़ कर सकते हो। आफ्टर द पूल आप इसको यहाँ पे एक अच्छी तरीके से टैनिंग ले सकते हो। यहाँ से अगर आप देखोगे कुछ ये स्टेप नीचे डाउन जाते हैं, जो कि अगेन वो एरिया है जहाँ से हमने बेसमेंट से आपको बताया था कि आप अपनी गाड़ी की स्पेस यहाँ पे पार्क कर सकते हो। तो ये पूरा रैंप जो है पूरा आपका पार्किंग स्पेस के लिए है। एक भी विलास की वॉल एडजॉइनिंग नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट आपके दोनों बेडरूम्स पूल को फेस करते हुए दिखाई देते हैं। हमने लिविंग एरिया से आपको बताया था कि यहाँ पे एक बालकनी है जो कि कनेक्ट करती है आपके पूल साइड एरिया को। आप इसको ओपन कर सकते हो, शाम में आप इंजॉय कर सकते हो। अगेन हम लिविंग एरिया में आ चुके हैं। अगर इसकी पूल साइड से डेप्थ देखते हो पूरे घर की, काफ़ी लंबी दिखाई देती है। तो यहाँ आप पूल साइड व्यू एंजॉय कर सकते हो, उसके लिए आपको बालकनी खोलनी होगी। और जो ये बर्ड्स की आवाज़ है ये काफ़ी नेचुरल फील देती है। ये इस विला का वॉक थ्रू है। हमने इसमें कवर किया है बेसमेंट, जहाँ पे आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो बार एरिया या मल्टीमीडिया रूम, गेमिंग रूम, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंगली। ग्राउंड फ्लोर पे अभी हम बैठे हुए हैं इस पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले एक लिफ्ट एरिया आपके जो एक्सेस करती हैं सारे फ्लोर्स को वो आती है। पाउडर रूम है ग्राउंड फ्लोर पे, देन एक बेडरूम है, देन लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस सेपरेट है। डाइनिंग स्पेस एरिया डबल हाइट का है। किचन एरिया काफ़ी बड़ा साइज़ है, जो कि एक्सेसिबल है बाहर से और इनफैक्ट इंटरनली एज पर योर कन्वीनियंट ऑफ सर्वेंट, की अगर आपके घर में गेस्ट हैं तो वो बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। लिविंग एरिया से आप पूल साइड को भी कनेक्ट कर सकते हो। लिविंग एरिया का जितना भी 3 साइड ओपन पोर्शन है वो सारा का सारा नेचुरल लाइट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे आप सारे कर्टन्स आप खोलोगे तो आपके पास ईस्ट टू साउथ में जाते टाइम वाली जितनी भी सन रेज हैं वो आपके घर में नेचुरल लाइट के तरीके से आएंगी। सो ये हमारे विला का पूरा वॉक थ्रू है। पूरे विला की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 2 मास्टर बेडरूम हैं, जो कि हमें बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट बेसमेंट एक्सेस बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है।
अगर पार्किंग की अगर हम बात करें तो पार्किंग लॉट जो एम्पल दिया हुआ है वो भी एक काफ़ी अलग ही तरीके से दिया हुआ है, जहाँ पे आप ऑलमोस्ट 4 गाड़ी पार्क कर सकते हो। गार्डन एरिया भी बहुत इसका मैसिव है, बहुत बड़ा है, तो आप जैसे भी अगर आप गार्डन लवर हो तो आपको मे बी अच्छा लगेगा इतना बड़ा गार्डन अपने तरीके से डेकोरेट करते हुए। और हम बात करें पूरे हाउस की कंस्ट्रक्शन, तो पूरे हाउस की कंस्ट्रक्शन माया वन पे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन L&T ने की हुई है। विला कम्युनिटी एक अपने आप में एक प्रीमियम ऑनरशिप रहती है। विलास कम्युनिटी क्या होती है, जनरली आप इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हो, कोठी में रहते हो, बंगलों में रहते हो, उनका फील अलग होता है। विला कम्युनिटी में सारे घर एक सिमेट्रिक कलर में होते हैं, सेम लेआउट्स पे होते हैं, साइजेस में वेरिएशन आ सकती है, लेकिन कम्युनिटी लिविंग लाइफ कह सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छी खासी एमिनिटीज़ मिल जाती है और मेंटेनेंस मिल जाती है। सबसे अच्छी बात है सिक्योरिटी, जो कि बहुत जगह मिसिंग होती है, तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ की। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो 3-tier सिक्योरिटी है। सो इस प्रॉपर्टी में 60,000 स्क्वायर फीट एरिया का क्लब हाउस है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है जो कि इंडोर है, स्क्वैश कोर्ट है, और आउटडोर लॉन टेनिस है, बास्केटबॉल कोर्ट है, और इसके अंदर आपका रेस्टोरेंट स्पेस एरिया है, क्रच एरिया है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने क्लब हाउस डिज़ाइन किया हुआ है। क्लब हाउस में अगर हम बात करें, जो अभी फ़िलहाल में इस प्रॉपर्टी को जो मेंटेन कर रहा है वो CBRE कंपनी है। CBRE काफ़ी अच्छा नाम है, जो कि मेंटेनेंस काफ़ी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी करती है। अबाउट दिस बिल्डर, तो एक्सपीरियन जो है सिंगापुर बेस्ड डेवलपर है, जिन्होंने एशिया में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ डिलीवर करा हुआ है, जिसमें रेजिडेंशियल भी हैं और कमर्शियल भी हैं इन गुड़गांव। गुड़गांव ये सबसे पहले एक प्रोजेक्ट लेके आए थे अपना एक्सपीरियन विंचेंट, एडजॉइनिंग इसके साथ इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हर्टसोंग, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 108 में, और विंचेंट प्रोजेक्ट लोकेटेड है इन सेक्टर 112। ये दोनों ही प्रोजेक्ट आते हैं मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और दोनों ही प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है। इनका एक तीसरा प्रोजेक्ट और है जो कि कमर्शियल है, जो कि ऑफिस स्पेस यानी बिजनेस सेंटर है, जो कि आता है सेक्टर 15 में, नियर टू 32 माइलस्टोन, जो कि ऑलरेडी डिलीवर प्रोजेक्ट है। सो अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करें एक्सपीरियन विंचेंट, 2014 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और ये फेजेस में डिलीवर नहीं हुआ, इन्होंने सेल जो किया है वो फेजेस में किया है, कंस्ट्रक्शन एक ही फ्लो में शुरू करी थी। इसकी अगर मैं बात करूं, आर्किटेक्ट कंपनी आर्कोप इज अ आर्किटेक्ट कंपनी, कंस्ट्रक्शन बाय L&T, सारी कंस्ट्रक्शन जितनी भी हुई है, इनफैक्ट विला अपार्टमेंट या फिर क्लब हाउस, वो सारा का सारा माया वन पे कंस्ट्रक्शन है। आई होप एक्सपीरियन विंचेंट का विला आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस विला की अगर आपकी कोई भी क्वेरी या रिक्वायरमेंट है, आप कॉन्टैक्ट करें वाइट कॉलर रियलिटी को। होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।